थोड़ा जाए तो हाथ पीछे लगा तुम्हारे को ये रूट्स एंड विंग्स स्कूल ऑफ फाइनेंस रूट्स एंड विंग्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंडर चलता है। यहाँ पर हमारी टीम का जो मिशन है वो है फिनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड ऑफ द होल सोसाइटी। पूरे समाज में फिनेंशियल जो डाउट्स हैं या कंट्री वाइड अगर डेवलपमेंट में कुछ फिनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हैं उसको दूर करना, मिसगाइडेंस को दूर करना, कम्युनिटी को अवेयर करना कि फिनेंस भी एक अच्छी इंडस्ट्री है। जैसा कुछ सालों में डॉक्टर इंजीनियर के बाद में जो यूपीएससी एमपीएससी का क्रेज बढ़ा है तो बच्चों ने फिनेंस को भी एक मेजर इंडस्ट्री बनाना ज़रूरी है। हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हमारे सेटअप से हमारे स्कूल ऑफ फिनेंस से आइंदा कुछ सालों में कम 100 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकले और ये पूरी सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल एसेट बने। अभी हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी बहुत कंसर्न है पूरी सोसाइटी को लेकर, आज बेनिफिशियरी है एक प्रोग्राम के, कल ये बेनिफैक्टर बनेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं सीए हकीम पटेल, एक्चुअली मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ रूट्स एंड विंग्स का जो स्कूल ऑफ फाइनेंस है उसका। एक्चुअली स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है तो ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है सीए सीडब्ल्यूए और सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 4-5 मंथ का हमारा एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है तो फुल्ली यहाँ पर मतलब रेसिडेंशियली वो बच्चा ही स्टे करता है और उसके बाद उसके प्रोग्राम के तहत उसकी स्टडी होती है। और ये प्रोग्राम की नीड इसलिए महसूस हुई क्योंकि एक्चुअली मार्केट में जो रेशो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और अदर पीपल मतलब एसएससी का तो वो बहुत ज़्यादा गैप है और लोग अवेयर नहीं है। हमारा ये रिजल्ट ये जो प्रोग्राम के जरिए ये था कि जो स्कैम्स हो रहे हैं इसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से हम जो है तो ये लोगों को अवेयर कर सके। अब चूँकि ज़्यादा कंसल्टेंट मार्केट में नहीं है और सबके पास वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हम वो कर नहीं पा रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो सीए फाइनल में थे ये लोग पास नहीं होने की वजह से न्यू जो बच्चे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं ले रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो इनकी फैमिली से थे या इनके ख़ानदान से थे इनके रिलेटिव्स में थे वो लोग भी एडमिशन नहीं ले रहे थे क्योंकि सबके लिए एग्जाम्पल बन गए थे कि सीए बहुत टफ है। तो वो उस वजह से एक्चुअली एक चीज़ ये भी महसूस हुई कि गाइडेंस के वजह से बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, पोटेंशियल तो बहुत था तो वो उसके चलते फिर हमने स्कूल ऑफ फाइनेंस 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट किए थे और 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर हमारे पास 11 स्टूडेंट थे जिसमें 12 स्टूडेंट थे इनफैक्ट उसमें एक सीएस फाइनल का स्टूडेंट था, 7 स्टूडेंट सीए फाइनल के थे और 4 स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट के थे जिसको आईपीसीसी कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सीए फाइनल के रिजल्ट आए हैं, जो 7 बच्चे थे उसमें से 6 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एक बच्चे ने ऑप्ट आउट किया था किसी कारण के वजह से। तो इन 6 स्टूडेंट्स से हमारे 2 बच्चे पास आउट हुए हैं, सीए कंप्लीट हो गए हैं और एक स्टूडेंट हमारा एग्जम्पशन है, इंशाल्लाह अगली बार वो भी सीए हो जाएंगे। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अगर दी गई उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनका पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके अंदर हमने लेक्चर्स और बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए थे और बीच बीच में हमारे पास मोटिवेशनल लेक्चर्स हुआ करते थे जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए बच्चे और ये रिज़ल्ट आया है। और हमें उम्मीद है कि ये वीक में सीए इंटर का भी रिज़ल्ट है और इस मंथ के लास्ट वीक में सीएस फाइनल का भी रिजल्ट है और ये सब रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे इंशाल्लाह। दो बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनके नाम? हाँ, जो बच्चे पास आउट हुए हैं उसमें सीए इरफान नमकवाला है और
सीए निज़ाम मंसूरी बोल के एक स्टूडेंट्स हैं, ये दो बच्चे इस बार पास हुए हैं। और फजल मोहम्मद फजल का एग्जामेशन आया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में मोहम्मद फजल सीए हो जाएंगे। मेरा नाम सीए वसीम बेग, मैं स्कूल ऑफ फाइनेंस का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। और इस कोर्स को यहाँ डिज़ाइन करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसमें फेलियर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब पास हार्डली 5-10% पास आउट परसेंटेजेस है। तो ये हम लोग कैसे इसको नेगलीफाई कर सकें, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो इस पर ये था कि ये अब तक एक ओपन कोर्स जैसा डिज़ाइंड है, मतलब आप 3 महीना 4 महीना 6 महीना जितना पढ़ रहे हो पढ़कर एग्ज़ाम्स दो और आपका रिजल्ट आएगा पास या फेल। तो हमने उसको कन्वर्ट किया एक गाइडेड कोर्स की तरह, मतलब जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं कि आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर टेस्ट सीरीज रखी, आपको वहाँ पर उस तरीके से जो बेस्ट लेक्चरर्स थे उनको वो प्रोवाइड किया। हमने यहाँ मेक माई टेस्ट बोल के एक सीरीज चलती है टेस्ट सीरीज, उनके साथ कोलैबोरेट किया, हमारे सारे बच्चों का टेस्ट सीरीज वहाँ पर चली। और फिर उसके बाद में जो सबसे अच्छे लेक्चरर्स है उनके क्लासेस भी प्रोवाइड किए इनको, सो दैट कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो। और बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ये इतना बड़ा कोर्स है, मतलब लेंथ वाइज, तो उनको मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो इस बीच में हमने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चरर्स को बुलाए, उनको बताया, उनके बार बार लेक्चर्स की वजह से वो मोटिवेट होते रहे और कंटिन्यूस इन लोगों का फॉलोअप लेते रहे, ताकि ये लोग अपने जो डिफ़िकल्टीज़ है वो हम लोगों से शेयर किया उन्होंने, एनी रेस्पेक्ट, मतलब क्लासेस से रिलेटेड, ये हर चीज़ फैसिलिटीज से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड इन्होंने सारी चीज़ें हमसे शेयर की और हम उनको फिल्टर कर सके। और नेक्स्ट बैच में इंशाल्लाह वो हम जितनी अभी डिफ़िकल्टीज़ आई या जो हम लोग सोचे थे ये चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं कर पाए, वो हम अगली बैचेस से इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान नमकवाला है, मैं इस 2020 के अटेम्प्ट में सीए पास हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होती है 13 साल पहले, जब मैं सीए में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे 3 स्टेजेस होते हैं सीए में, एक फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होता है। तो मैंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, बट पता नहीं किस कारण से मैं जो है 10 साल से इसी कोर्स में अटक गया था फाइनल के अंदर। मेरे लाइफ में काफ़ी अप डाउन्स आए और उस वजह से मैं पास नहीं हो पाया। मगर कुछ 6 महीने पहले हमारे दोस्तों में ऐसी बात हुई जिसमें सी हकीम पटेल है, उन्होंने बताया कि भाई आपको जो डिफ़िकल्टीज आ रही है वो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ये गलतियाँ कर रहे हैं कि आपका, मेरा हिसाब होता था कि मैं कोचिंग नहीं किया था, मैं सेल्फ करता था और गाइडेंस वगैरह इतनी नहीं थी मुझे। बट बाद में इसके साथ में जुड़कर उन्होंने बोला कि अपन ऐसे चालू करेंगे स्कूल ऑफ फाइनेंस, इसमें आप ज्वाइन किए और यहाँ पर जो है आप पढ़ाई करिए, आपको हम कोचिंग देंगे, आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे, आप बस आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं एक्चुअली जो हूँ मैरिड, मैं फैमिली को छोड़कर जो है यहाँ रहा हूँ 4 महीने हॉस्टल में और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है और मैं इस बार सीए कंप्लीट हो चुका हूँ मैं, और फाइनली मैं सीए इरफान नमकवाला हो चुका हूँ। इस दौरान में यहाँ पर 4 महीने में जो है मुझे काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें होता है कि लेक्चर्स मुझे प्रोवाइड किया गया। इस 4 महीने में 2.5 महीने मेरे लेक्चर्स चले डेली, मेरे और मेरे साथ में जो और थे मेंबर्स, हम लोगों ने मिलकर 3-3 घंटे के 3 लेक्चर्स होते थे हमारे, जो डेली होते थे 2.5 महीने तक। और 2.5 महीने के बाद में जो है 1.5-2 महीने 1.5 महीना हमने उसके ऊपर रिविजन किया और साथों साथ टेस्ट सीरीज भी लगाए थे कि भाई आपको पता चल जाए कि भाई आप एग्ज़ाम में कहाँ गलती कर रहे हो। एक्चुअली टेस्ट सीरीज जो है सेम टू सेम एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट होते हैं फाइनल के, उसी लेवल पे टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होती है लोकल्स में, जो लोकल में जो चार्टर्ड है वो लोग कंडक्ट करते हैं। और अभिनव शर्मा है उनका नाम, उनके थ्रू मेरा टेस्ट सीरीज हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, वो मैंने रेक्टिफाई किया, उसके ऊपर जो ध्यान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्स में वो गलती नहीं दोहराया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। एक सब्जेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में टॉपर भी आया हूँ, 88 मार्क्स आए हैं मेरे। और बाकी तो यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ें हमको अच्छी खासी फैसिलिटी दी थी, जैसे लाइब्रेरी भी हमको इन्होंने बना कर दी थी, एक बड़ा हॉल था उसमें हम लोग सब साथ में जॉइंट स्टडी करते थे,
खाने की भी फैसिलिटीज पूरी थी, हम लोगों का डेली खाना आता था मेस से, मेस भी नहीं था एक्चुअली, वो घर का ही खाना था, हमारे सी अब्दुल हकीम पटेल के घर से ही आता था खाना, और बाकी रूम्स वगैरह थे, बेड वगैरह हर चीजें फैसिलिटीज थी, नहाने के लिए हर चीज जो बेसिक नेसेसिटीज होती है अल्हम्दुलिल्लाह सब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई थी। और जो दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए बस मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सीए को जितनी तरीके से बताया जाता है अपने स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आपको बस टाइम देना होगा उसके लिए, डेडिकेशन देना होगा, आप क्लियर होंगे उसके अंदर। क्योंकि मेरा भी वैसे ही था कि मैं मतलब ज्यादा टाइम नहीं देता था, अब इस बार मैंने टाइम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेरा मतलब मैं पास हो गया, जिस टाइम मैंने ज्यादा टाइम दिया मैं पास हो गया, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपियर होइए, डेडिकेशन पूरा दीजिए, वक्त दीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।